हाय गाइस, वेलकम टू शकीरा फिल्म्स। आज हम जिस फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो एक 2014 की हॉलीवुड रिलीज है। फिल्म का नाम है द वॉइसेस। इस फिल्म की रेटिंग आईएमडीबी पे 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म का डायरेक्शन मार्जिन सत्यापी ने किया था। बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी जेरी नाम के एक पार्ट टाइम फैक्ट्री वर्कर की है जो बॉलिंग एली के ऊपर बने अपार्टमेंट में अपने डॉग बॉस्को और कैट मिस्टर विस्कर्स के साथ रहता है। जेरी स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित होता है, लेकिन वो अपनी मेडिसिन नहीं लेता क्योंकि वो अपने हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स को एंजॉय करता है। इसी हेलुसिनेशन की वजह से जेरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि उसके पेट्स उससे बात कर रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि बॉस्को की वॉइस जेरी के गुड इंटेंशंस को शो करती है, जबकि मिस्टर विस्कर्स की वॉइस उसके इविल इंटेंशंस को शो करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जेरी अपने ऑफिस की कोवर्कर फियोना को डिनर डेट के लिए लोकल चाइनीज डिनर थिएटर में इनवाइट करता है। फियोना डिनर डेट के लिए मान जाती है, लेकिन फियोना डिनर डेट पे जाने के बजाय अपने ऑफिस की फ्रेंड्स लीसा और एलिसन के साथ कैराओ की पार्टी में चली जाती है और जेरी इंतजार करता रह जाता है। पार्टी से वापस आते समय फियोना की कार स्टार्ट नहीं होती है और उसे रास्ते में जेरी ड्राइव करता हुआ मिल जाता है। जेरी फियोना को घर तक के लिए लिफ्ट देता है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक हिरन से एक्सीडेंट हो जाता है और हिरन बुरी तरह से घायल हो जाता है। हिरन का पेन देख के जेरी हेलुसिनेट करता है जैसे हिरन उससे कह रहा हो कि वो उसे उसके पेन से मुक्ति दे दे। जेरी हिरन की गर्दन चाकू से काट देता है। ये देखकर फियोना डर जाती है और जंगल में भाग जाती है। जेरी फियोना को समझाने उसके पीछे चाकू लेके जंगल में भागता है, लेकिन उसका चाकू फियोना को लग जाता है। फियोना को पेन में देख के जेरी उससे माफी मांगता है और उससे बताता है कि वो फियोना से बहुत प्यार करता है और उसे पेन में नहीं देख सकता, और इसलिए वो चाकू से कई बार स्टैप करके उसको मार देता है। घर वापस आने पर बॉस को जेरी से कहता है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए और अपना क्राइम एक्सेप्ट करना चाहिए, जबकि मिस्टर विस्कस कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे फियोना की बॉडी डिस्पोज करनी चाहिए। जेरी फियोना की बॉडी लेने जाता है और वहां फियोना की सैंडल और कुछ ऑर्गन्स छोड़ देता है और अपने घर आकर फियोना की बॉडी कंटेनर बॉक्सेस में स्टोर कर देता है और उसका सिर फ्रिज में रख देता है। अपनी पिल्स ना लेने की वजह से जेरी का डिल्यूजन इतना इंटेंस हो जाता है कि उसे लगता है फियोना का सिर उससे बात करने लगा है। जेरी फियोना के सिर से माफी मांगता है, लेकिन फियोना उसकी माफी से इनकार कर देती है। फियोना जेरी से उसकी पिल्स लेने को कहती है। पिल्स लेने के बाद जेरी को अपने अब्यूजिव फादर और अपने बचपन के सपने आते हैं और वो नींद से जाग जाता है। नींद से जागने के बाद जेरी का हलुसिनेशन बंद हो गया रहता है। उसके पेट्स भी अब उससे बात नहीं कर सकते हैं। जेरी अपने घर की हालत देखता है, वहाँ हर तरफ खून के धब्बे होते हैं और फियोना का सिर फ्रिज में मिलता है। फियोना का सिर सड़ने लगा है और उससे बदबू आने लगी है। इसी घबराहट में आके जेरी अपनी सारी पिल्स फेंक देता है और अगली सुबह उसकी सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ वापस आ जाती है। फियोना का सिर उससे एक और खून करने को कहता है जिससे उसे एक फ्रेंड मिल सके, क्योंकि वो फ्रिज में अकेले पड़े पड़े बोर हो रही है। इसके बाद जेरी अपने ऑफिस की कोवर्कर लीसा के करीब आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। जेरी लीसा को अपने बचपन के घर में ले जाता है जहां वो ये बताता है कि उसकी माँ मेंटली बीमार थी, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन खुद में इतनी हिम्मत ना होते हुए उन्होंने जेरी से इसमें मदद मांगी और जेरी से कहा कि वो उन्हें इस पेन से मुक्ति दे दे। जेरी अपनी माँ की बात मान लेता है। जेरी पुलिस को अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ मिलता है और पुलिस को लगता है कि जेरी ने अपनी माँ का खून किया है और उसे सुधार घर में भेज दिया जाता है। जेरी ये सब याद करके दुखी हो जाता है और लीसा उसे समझाती है और उसे वापस अपने घर लेके जाती है। जेरी लीसा को मारने का ख्याल छोड़ चाकू वहीं अपने पुराने घर में छोड़ देता है।
जेरी लीसा को पसंद करने लगता है क्योंकि लीसा जेरी को समझती है। एक रात लीसा जेरी को सरप्राइज करने उसके घर पहुंचती है और बताती है कि उसका एड्रेस उसने एलिसन से लिया है। लीसा घर में खून के धब्बे देख घबरा जाती है और फियोना का सिर फ्रिज में देखकर डर जाती है। जेरी लीसा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन लीसा घबराई हुई होती है। मिस्टर विस्कर्स की वॉइस जेरी से लीसा को मारने को बोलती है लेकिन जेरी इस बात से इनकार करता है क्योंकि वो लीसा को पसंद करने लगा होता है। लीसा घबराकर बाथरूम में छुप जाती है और जेरी के बाथरूम में घुसते ही उसे टॉवल हैंगर से मारने लगती है और उसके रूम में भाग जाती है। जेरी लीसा को समझाने की और शांत करने की कोशिश करता है जो लीसा मान जाती है, लेकिन जब वो दोबारा भागने की कोशिश करती है तो जेरी उसे वापस रूम में धक्का देता है और लीसा की गर्दन टूट जाती है। वो पैरालाइज्ड हो जाती है और स्लोली स्लोली मर जाती है। जेरी लीसा के सिर को फियोना के सिर के साथ फ्रिज में रख देता है और हलुसिनेट करता है कि दोनों उससे बात करती हैं। वहीं ऑफिस में पता चलता है कि फियोना और लीसा दोनों मिसिंग हैं और एलिसन इन्वेस्टिगेट करने जेरी के घर जाती है क्योंकि लीसा ने एलिसन से जेरी का एड्रेस लिया होता है। जेरी एलिसन को अपने घर देखकर घबरा जाता है और एलिसन के साथ भी वही करता है जो उसने फियोना और लीसा के साथ किया होता है। जेरी अपनी इस तरह की लाइफ से तंग आ गया होता है और अपनी काउंसलर डॉक्टर वैरन के सामने ये कन्फेस करता है। डॉक्टर वैरन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन जेरी उन्हें बंदी बना के शहर से दूर ले जाता है और ये चाहता है कि डॉक्टर वैरन उसकी मदद करें। डॉक्टर वैरन उसे समझाती हैं और बताती हैं कि वो उसकी मदद कर सकती हैं। जेरी बात को समझने लगता है। नेक्स्ट सीन में जेरी के ऑफिस के दो लोग जेरी के घर में घुसते हैं जिससे बॉस को बाहर निकल जाता है। घर की हालत देखकर वो दोनों पुलिस को फोन करते हैं। कुछ देर बाद जेरी डॉक्टर वैरन के साथ अपने घर वापस आता है। तब तक पुलिस ने जेरी के घर को घेर लिया होता है। पुलिस से बचने के लिए जेरी डॉक्टर वैरन को छोड़ बेसमेंट में भाग जाता है। बेसमेंट में भागते हुए जेरी से एक पाइप टूट जाती है और गैस लीक होने लगती है। डॉक्टर वैरन के रेस्क्यू के बाद जेरी के घर में गैस लीक से बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन से जेरी को रियलाइज होता है कि वो आग में घिर गया है। जेरी के माइंड में बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स की वॉइसेस गूंजती हैं। मिस्टर विस्कर्स की वॉइस जेरी से कहती है कि उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि बॉस्को की वॉइस उससे कहती है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है और उसे अपनी लाइफ खत्म कर देनी चाहिए। जेरी बॉस्को की बात मानकर अपने को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और फर्श पर लेट जाता है और सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉग बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स को एक व्हाइट स्पेस में बातें करते हुए और कन्फेस करते हुए दिखाया गया है कि भले ही उनके बिलीव्स अपोजिट थे बट वो एक दूसरे को पसंद करते थे और ऐसा कह के वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेरी को उसके पेरेंट्स लीसा एलिसन और फियोना के साथ दिखाया गया है जिसमें वो अपनी मॉम लीसा फियोना और एलिसन से माफी मांगता है। फिल्म के एंड सीन में जीसस आते हैं और जेरी को फोकलिफ्ट से ले जाते हुए दिखाए गए हैं। ये तो थी द वॉइसेस फिल्म की स्टोरी। लेकिन हर इंसान में गुड और एविल इंटेंशंस दोनों होती हैं और ये हमेशा एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। जेरी अपनी गुड और एविल इंटेंशंस में फर्क नहीं कर पाता और हमेशा गलतियां कर बैठता है, लेकिन वो हमेशा माफी मांग लेता है। जेरी का बचपन एक मेंटल ट्रामा से गुजरा होता है जिसमें उसके अब्यूजिव फादर और मेंटली बीमार माँ जिम्मेदार होते हैं। हमारे बचपन में घटी घटनाएं हमारी आने वाली जिंदगी में बहुत गहरा छाप छोड़ती हैं, जैसा कि जेरी के साथ होता है। और ये बात डॉक्टर वैरन जानती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि वो जेरी को हर्ट ना करें क्योंकि वो सिर्फ मेंटली बीमार है। इसलिए हमें दूसरों से अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन किस दर्द से गुजरा है। आई होप कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।